बुधवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं गेहूं के जिला खरीद अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीद प्रारंभ किया जा रहा है। जनपद में 135 से अधिक सेंटर खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य रखा गया है। उन्होंने किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करा लें। बैठक में AR को ऑपरेटिव सुनील कुमार गुप्ता एवं जिला खाद्य वितरण अधिकारी राकेश मोहन पांडे उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस एवं गेहूँ के जिला खरीद अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, लगभग वही है जो हमने अभी धान खरीद जो 7 या 8 कम पड़ रहे हैं उसको हम लोग जल्दी जो है जैसे भी रिक्वायरमेंट्स क्षेत्रवाल होगी उसको लेकर हम पूरा करा लेंगे। लक्ष्य अभी जिले का आया नहीं है। झरना पंखा मॉइस्चर मीटर ये अनिवार्य है, डस्टर के रूप व्यवस्था करा रहे हैं। उससे सारे सेंटर्स जो है मुझे लगता है 60% सेंटर से हमारा पावर मोर रख लिए हैं। ये उपकरण है, उपकरण अभी धान खरीद जब कम हुई है 3 दिन पहले का 2 दिन पहले सभी सेंटर्स में सारे उपकरण उपलब्ध होंगे। जहाँ नहीं होंगे अगर कुछ सेंटर्स नए बने हैं पर काम किए थे तो जनपद में उपकरण उपलब्ध हैं केवल उसको जो है जहाँ आवश्यक है वहाँ से रिप्लेस करा के उस जगह पे भिजवाना है। ये कल तक कौन सेंटर्स पे बैनर्स लगने हैं, बैनर्स पर सारी सूचनाएँ प्रदर्शित होनी है जो धान खरीद में हमने किया था वो सारी सूचनाएँ होंगी उसमें। टोल फ्री नंबर 1800 1800 150 जाता है या कोई उसको लेके चला जाता है तो आपका ये स्थिर रूप से स्टेगनेंट पड़ा रहता है वाल 20। ये सूचनाएँ सेंटर्स में बनी रहें तो एक सभी भी क्रय केंद्र है। अक्सर पाया जाता है कि सेंटर्स जो है ऐसा रीजन में हो जाते हैं कि वो तो सेंटर इंचार्ज जानता है किसान उसको जानते नहीं पा। समस्या आने पर इसका ध्यान देना है। गेहूँ खरीदता है जबकि रेट जो है अभी तो पैदल चल रहा है लेकिन कम हो जाता है फसल आवक होते ही जो है 200 के आसपास कम हो जाता है तो जैसे ही कम होगा वैसे सेंटर से आवक होती है तो इसके लिए पूरी व्यवस्था करा ली जाए। गर्मी का समय होता है अभी तूफान इस समय मानसून के आते रहते हैं, तिरपाल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कर ली जाए। तिरपाल सेंटर पे होना चाहिए क्योंकि अकस्मात जो है आंधी तूफान बारिश होती है तो कम से कम जो आपका गेहूँ सेंटर के बाहर रखा है उसको जो है आप सुरक्षित कर सकें। रेट्स पता है 2015 रुपये का रेट्स है, 20 रुपया किसान को उतराई छराई के मद में देना है लेकिन अभी ये चीज़ें आई नहीं है पॉलिसी में कि हमको वापस रिफंड करना है कि नहीं करना है। किसान से अधिकतम 20 रुपया लेना है उतराई छराई के मद में और 2015 रुपये का MSP है तो अभी तो 2015 ही किसान को देना है। अगर पॉलिसी कहती है कि नहीं वो 20 जो देगा उसको वापस करना है तो उसको किया जाएगा। अभी पॉलिसी संभवतः आज आ जाएगी। धान के बजाय गेहूँ खरीद करनी है तो पूरे जोश से फिर वापस जो हम लोग इसमें आए किसानों को लाभान्वित करें। शासन प्रशासन की जो मंशा है नई सरकार का गठन है सरकार पैनिक है जीरो टॉलरेंस पे काम करने की है। आज की बैठक में मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा शिकायतें ऊपर जाएंगी उतनी ही आपकी समस्या हल होगी। हम लोगों ने धान में 1.5 हज़ार का निस्तारण किया है। कहीं से कोई किसान फोन करता है कि मेरा धान नहीं दिया जा रहा है ये स्पष्ट मैसेज है कि इस बार की जो गवर्नमेंट है वो जीरो टॉलरेंस से काम करेगी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस और जिला खरीद अधिकारी हूं। आप सबको सूचित करना है कि 1 अप्रैल से गेहूं खरीद प्रारंभ हो रही है। हमारे जनपद में 135 से अधिक सेंटर खोल दिए गए हैं। जो गेहूं का मूल्य है वो 2015 रुपये है। मेरा अनुरोध है किसान भाइयों से वो ऑनलाइन पंजीकरण इसका होता है, आप सब ने अभी धान क्रय के समय पंजीकरण कराया है, आप लोग जल्दी से जल्दी पंजीकरण करा लें और साफ़ सुथरा गेहूं अपने नज़दीक का जो भी आपका क्रय केंद्र है वहां ले जाएं। सरकार का जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिस पर आपका गेहूं खरीदा जाएगा वो 2015 रुपये है। सर मौसम को देखते हुए फसल को कैसे बचाओ? मौसम तो अभी ठीक चल रहा है, मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है और अभी निर्देशित भी किया जा रहा है कि जो रिपर से जो
या कंबाइन से जो फसल काटते हैं उसके बाद भूसा बनाने का प्रयास करते हैं, अगर कोई व्यक्ति भूसा बनाते हुए भी पाया जाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा। मेरा अनुरोध भी है और निर्देश भी है कि जब तक पूरी फसल नहीं कट जाती है तब तक लोग भूसा ना बनाएं।